सारा देश एक होकर के संगठित होकर के कोरोना जैसे एक ऐसी महामारी से जिसको अदृश्य है मिलकर के लड़ने का काम कर रहा है। सारे देश ने पिछले लगभग एक महीने से ऊपर का समय निकला, इस समय में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, किसी व्यक्ति को कोई संकट है तो संकट में हम साथ में खड़े हों, इस ताकत को प्रदर्शित करने का काम हुआ है। वहीं दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और जयपुर में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आज खाने के ऊपर रोटी के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की स्थिति है जयपुर में, आज बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के प्रयास से, राजस्थान सरकार के प्रयास से उन्होंने तय किया कि आम आदमी के लिए भोजन हो। एक तरफ व्यवस्था थी, कहीं एनएफएसए के परिवार, बीपीएल स्टेट बीपीएल, मजदूर कार्ड के लोग, अंत्योदय परिवार, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि जितने भी कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोई भी परिवार जो इन चारों स्कीमों में नहीं आता उसके लिए भी आटे की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, सामग्री उसके पास पहुंचे, इसके लिए सारे खदान उन्होंने का पूरे गोदाम कमरे तैयार खड़े हैं। जब जिसको चाहिए जितना चाहिए मार लो, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जयपुर में राजनीति कर रही है। सिविल लाइन्स विधानसभा के क्षेत्र में यहां के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री जिस प्रकार से खुलकर राजनीति करके खाने में भी किसको देना किसको नहीं देना इसको चयन करके कौन कांग्रेस का है कौन कांग्रेस का नहीं है, कौन किस जाति का है इसको देख करके भोजन के वितरण का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सामग्री सरकार के माध्यम से बांटने का काम है, जो केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मदों के माध्यम से निकल रही है, उसमें भी पैकेट के ऊपर कि मेरा चेहरा उसके ऊपर हो, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय मंत्री का फोटो लगा करके आम आदमी को प्रदर्शित करना कि रोटी में भी वहां कांग्रेस और बीजेपी इस आधार पर तय करने काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सुझाव दूंगा कि इस मानवता के काम में राजनीति को छोड़ करके मानवता के रास्ते पर चलें। हर आदमी के पास आपके पास खजाने की चाबी है और इस खजाने की चाबी में आप मिल करके, आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं हो, जिसके घर में अनाज नहीं पहुंचे, वो बिना रोटी के कारण उसको सोना पड़े, अगर ऐसी स्थिति होती है क्षेत्रीय विधायक मंत्री के लिए एक शर्म की बात है और उसी प्रकार राजस्थान सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करते हुए सबके साथ समानता का व्यवहार करके वितरण का काम